अनेक सिम पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है या फिर नहीं। इसके पैकेजेस की बात करें, इसकी सर्विस की बात करें, क्या हमें परचेज करनी चाहिए, क्या ये पाकिस्तान में करंट नेटवर्क जो है उससे बेहतर है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अनेक सिम अब ये भी लॉन्च हुई है, न्यू मतलब काफी पहले लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन तो मैंने भी अप्लाई कर दिया था, तो मुझे इन्होंने वो लिंक वगैरह भेजा था जब ऑफिशियली लॉन्च तो हो चुकी, लेकिन इसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहे थे। तो अभी खैर इसकी मार्केटिंग वगैरह भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान में आप ये चीज ये सिम परचेज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये जस्ट 3-4 शहरों में, जो कि बड़े शहर उनमें अवेलेबल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कैपिटल जो हो गया, इनके अलावा भी और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सिम हमें क्या बाय करनी चाहिए यार, अभी सवाल थोड़ा मुश्किल है कि करनी चाहिए या नहीं। कुछ इसकी बैकग्राउंड जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सुन के फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने बाय करनी है या नहीं। तो सुनने में आ रहा है कि ये जो कंपनी है बेसिकली दुबई की एक इंटरनेट कंपनी जो कि एतसलहात है, यार थोड़ा प्रोनाउंस में ऊपर नीचे रह जाता है, तो यार ये कंपनी है ठीक है, तो उससे इन्होंने लॉन्च की हुई है। और जो सर्विस ये लोग यूज़ कर रहे हैं अभी पाकिस्तान में वो यूफोन पीटीसेल की यूज़ कर रहे हैं, मतलब यूफोन पीटीसेल का पीटीसेल जो है वो ऑन करें ऐसे, और यूफोन की सर्विस वगैरह ये यूज़ करें। जैसे ही अभी सर्विस यूफोन की है वैसे ऑने की है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनका अभी खुद का नेटवर्क कितना है नहीं, तो अब जब खुद का नेटवर्क ही नहीं है तो सर्विस वो कैसे देंगे आपको। होप्स हो कि आने वाले कुछ सालों में ये लोग ऐसा नेटवर्क बना दें जो कि ऐसा हो जो कि अभी करंट सिचुएशन है जो सिम्स की, इससे बेहतर हो। अगर तो यही सीन रहने जाए लाइक जोंग जैज और सारी सर्विस ऐसी ही रहनी है इसकी, तो फिर तो मतलब बेड़े ही गर्क हो जाना है। कुछ ना कुछ एडवांटेज ऐसा देना चाहिए कस्टमर्स को जो कि मेरे ख्याल से ऑनेक को ऑन करें। तो अभी रिसेंटली इनकी ठीक है, अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्चअप करना है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको भी फैलाना है। अभी इनका स्टार्टअप है, अभी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ये ठीक है, मैं यहाँ से अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लाई कर लो तो मतलब कि आपको फिर सिम आएगी नहीं, क्योंकि इनका जो बंदा है उन्हीं मेन शहरों में है, जो कि आप ऑर्डर करोगे वो बंदा आपके घर डोर स्टेप पे जाएगा, वहाँ ही आपसे आईडी कार्ड लेगा, वहाँ पर आपकी जो बायोमेट्रिक करके सिम आपको वहाँ ही देगा। तो इनके जस्ट 3 पैकेजेस हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, 890 रुपये का है, 1290 का है, और तीसरा जो है वो 1990 रुपए का है। तो अभी जस्ट 3 पैकेजेस हैं इनके, वो भी आप अपने कार्ड से लगा सकते हो, जो कि डेबिट कार्ड वगैरह है उससे लगा सकते हो, डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते, इजी पैसा उन इन प्लेटफॉर्म से भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए भी आप कार्ड लगाओगे, जो कि टैक्स वगैरह भी इनके कटते हैं वो लगवाते हैं कि चलो ठीक है। अभी मतलब ये समझ लो कि ये एक ऑनेक है, न्यू सिम है, अभी ये समझो कि माइंड में आ ही नहीं है। अभी इन्होंने क्या करना चाहिए यार, एक पर्सनल मशवरा ही नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में इनकी जो डिवाइसेज है वो ये लोग दे दें ठीक है, वो डिवाइसेज के साथ साथ सिम्स भी फ्री दे दें, जो कि जोंग ने टेलीनॉर ने किया हुआ है। जैसे ही मतलब 200-300 रुपए की सिम आज से 5-6 साल या 7 साल पहले मिल रही थी, इन्होंने फ्री में कर दी और इतनी इनकी सेल्स हुई सिम्स की, मतलब ये सिम्स जो 5 सिम वाला जब से काम हुआ था ना उसके बाद से बहुत सी सिम्स बंद हुई, जिसकी वजह से इनकी जो सर्विसेज है काफ़ी बंद रह गई, मतलब सिम्स बहुत सी बंद हो गई थी। फिर इन्होंने फ्री सिम्स लॉन्च की, फ्री सिम्स जैसे इन्होंने लॉन्च की और लोगों ने धड़ाधड़ सिम्स परचेज की, और हमारी खुद की मोबाइल्स की शॉप थी, और मैं इस चीज़ को नोट कर रहा था कि यार लोग जो है काफ़ी एक्सट्रीमली बाय कर ले रहा है, यार सिम दे दो, ये वाली सिम दे दो, 20 रुपये की सिम भी थी, 10 रुपये की भी थी, मतलब बेची है। इन्हें भी यही स्ट्रेटेजी अपने अपनानी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में ये लोग डिवाइसेस के साथ सिम्स फ्री दे दें, ताकि लोग जो हैं वो बाय करें, इनकी जो सेल्स हैं वो यहाँ से यहाँ पर एकदम से चली जाएंगी। लेकिन बात हुई है कि 6 महीना या फिर 1 साल यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि इनकी सर्विस कितनी कैपेबल है, लोग इसको इन्जॉय करें या फिर नहीं करें। मेरा तो यही मशवरा है यार, डायरेक्टली स्टारलिंक से कनेक्ट करो इसे, पहाड़ों में जाओ या जहाँ मर्जी जाओ, आपका 4G+ चल रहा हो या 5G आप प्रोवाइड करो, 5G चल रहा हो और नेटवर्क जो है HD में आ रहा हो, फिर तो मैं कह रहा हूँ कि यार भाई ऑनेक ही है और कोई है ही नहीं। अगर ये यूफोन की सिम्स ही चल रही है तो फिर तो मतलब थोड़ा बहुत इश्यू फेस करने को मिल सकता है। तो होप्स हो कि बहुत सी चीज़ें मैंने क्लियर आउट कर दी हैं, लेकिन पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस अभी है कि मैं नहीं कन्वर्ट करने वाला, क्योंकि यूफोन का नेटवर्क है अभी ज़्यादा बहुत अच्छा भी नहीं है यहाँ पे, जोंग तो वैसे ही नहीं चलता इधर। टेलीनॉर की बात करें तो इतने प्रमोशनल मैसेजेस और कॉल्स भेजते हैं कि बंदा बोलता है यार बंद करके सिम ना तोड़ के ना फेंक दे, जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे बेहतर चलता है। नेटवर्क की जो हालत है अभी यहाँ पे ना वो बहुत बुरी हालत है अभी, उम्मीद तो ये है कि आगे आने वाले सालों में शायद कुछ बेहतर हो जाए, जो कि उम्मीद नहीं है इतनी जल्दी। तो ये थी आज की वीडियो, तो होप्स हो बहुत सी चीज़ें क्लियर आउट मैंने कर दी होंगी, जो कुछ रह गया कॉमेंट पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे बेपिताओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।